नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटोरोला के बारे में। हाँ भाई, मोटोरोला एक न्यू फोन ला रही है जिसका नाम है मोटोरोला एज प्लस। तो भाई, अगर आप मोटोरोला लवर हैं या फिर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो भाई आज इस वीडियो आपको एंड तक देखनी है। आज इस वीडियो में आप सबको इस फोन की फुल स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड लॉन्च डेट बताने वाला हूँ इंडिया में। हाँ, इस फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। शुरू करते हैं। तो इस फोन की जो स्क्रीन है वो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है। भाई यहाँ पे आप जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 865, यानी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और भाई इतना ही नहीं, यहाँ पे इस फोन पे जो है एंड्रॉयड 10 आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो मिलेगा। साथ साथ भाई यहाँ पे हम इसके कैमरास की बात कर लेते हैं, तो कैमरा भाई फाड़ होने वाला है। फ्रंट कैमरा आप सभी को बताता हूँ, वो 25 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। आपको बैक में आ गाइस, आपको ट्रिपल कैमरास का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो है 108+16+8 मेगापिक्सल। यहाँ पे आपको 108 जो है 5000 mAh की बैटरी है। और गाइस, इस फोन का जो वेरिएंट आने वाला है, यानी इसमें 12 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज है। और गाइस, ये UFS 3 स्टोरेज होने वाली है 3.0, यानी भाई आप खुद सोचो 12 GB की रैम इस फोन में आने वाली है। और साथ साथ भाई आप सबको बता देता हूँ, ये फोन 5G के साथ आएगा इंडिया में। हाँ जी, इस फोन में 5G है। अब मैं इस फोन के कलर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन भाई इस फोन की जो है मैं एक बार बता देता हूँ प्राइस क्या होने वाली है। वो आने वाली है $1000। यस गाइस, दैट मीन्स अगर आप इंडियन करेंसी में करोगे तो आपको 65,000 से 70,000 के बीच में देखने मिलेगी। तो हाँ भाई, ये एक आईफोन 11 के बराबर होने वाला है, लेकिन फोन उससे लाख गुना अच्छा होने वाला है। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक एप्पल यूजर हूँ, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें आपको 12 GB की रैम फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ, यानी कि रैम बढ़ा दिए सब। और भाई यहाँ पे एक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 108 जो मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसको गाइस अभी जो है लिनोवो ने वैसे तो फोन को एकदम डील कर दिया है, बट भाई यहाँ पे वो बोल रहे हैं हम शायद से इंडिया में 64 वाला वेरिएंट लाएंगे। यानी एक जो आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल में देखने को मिलेगा। तो उससे गाइस और कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं है, आपको अगर गेमिंग करनी है तो बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। होप आप सभी को समझ आ गया कि मोटो एज प्लस कैसा रहने वाला है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोजाना चैनल पे लाता रहता हूँ। सो मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।